ये जो सोसाइटी है, दिस इज़ इंडियन इंट्राओकुलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सोसाइटी. दिस सोसाइटी एसेंशियली डील्स विद द सुपर स्पेशलाइजेशन इन आई केयर रिगार्डिंग कैटरेक्ट सर्जरी एंड रिगार्डिंग द सर्जरी ऑन द कॉर्निया फॉर करेक्शन ऑफ ग्लास प्रिस्क्रिप्शन. So this conference is an annual event which is held across the country in which we have delegates from India and overseas. इसमें जो हमारे delegates हैं उनको हम latest techniques, latest skills, जो लोगों को अपनी individual problems हैं वो मतलब जो skillful doctors हैं, जो ज़्यादा experience हैं, उनसे share करके उनसे discuss कर सकते हैं. So कोई भी conference जो होती है उसमें नुएंसेस जो सर्जरी के होते हैं और जो स्किल डेवलपमेंट होते हैं, वेट लैब जैसे होती हैं, उससे हम अपने डॉक्टर्स की स्किल एनहांसमेंट करते हैं. इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी है कि बच्चे जो नए डॉक्टर हैं उनको पोडियम प्रेजेंस मिलती है. पोडियम में वो फ्री पेपर देते हैं, फोटो कॉन्टेस्ट है, एसे कॉन्टेस्ट है वगैरह, तो उसमें उनको उभारा जाता है एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओनली. Dr. Dhami has taken over from Ludhiana. He has taken over as the president of the society, and this is the largest super speciality. जैसे All India Ophthalmological Society है, वो पूरी आई को करता है, मगर ये सिर्फ super specialized cataract और refractive में करता है ये society, and this is the super speciality में largest society. तो आने वाले दिन में center for sight की तरफ से लोगों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, सेंटर फॉर साइट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि अभी हम 9 स्टेट्स में हैं. हमारे लगभग 46 सेंटर्स हैं और हम फर्दर ग्रो करना चाहते हैं. अभी सेंटर फॉर साइट के साथ आनंद महिंद्राज, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप जुड़े हैं और हम फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहते हैं, एंड वी वॉन्ट टू प्रोवाइड वेरी गुड क्वालिटी आई केयर एट द मोस्ट कम्पिटिटिव रेट्स विद इन द वर्ल्ड. बट स्किल के अंदर वी वॉन्ट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी एंड स्किल टू बी राइट एट द टॉप. बाकी सारे स्टेट्स के, स्पेशली साउथ एंड ईस्टर्न साइड के बारे में आपका कुछ बताएं स्टेट्स के बारे में? देखिए, ईस्टर्न साइड में अभी थोड़ी अंडर पेनिट्रेशन है रिगार्डिंग आई केयर, बट साउथ के बारे में सोचा जाए तो वहाँ पे कई अच्छी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अरविंद आई केयर है या शंकर नेत्रालय या एल वी प्रसाद वगैरह, तो वहाँ पे हैं. बट ईस्ट के अंदर आई थिंक लॉट मोर हैज़ टू बी डन, एंड हमारी निगाह ईस्ट की तरफ जरूर है सेंटर फॉर साइट की. डॉक्टर धामी, इफ यू कैन से समथिंग अबाउट दिस इनिशिएटिव. इट्स एन ऑनर फॉर डॉक्टर अमर अग्रवाल, डॉक्टर महिपाल टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू लेट द चाइल्ड ग्रो, द यंग ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ग्रो टू अ लेवल वेयर देयर अवार्ड विनर्स एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड रेज द लेवल ऑफ ऑप्थाल्मोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड मच अबव. दुनिया से ऊपर चल रहे हैं हम, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर महिपाल फॉर क्रिएटिंग ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सेंटर फॉर साइट. इट्स अ प्लेस वेयर द नेक्स्ट जनरेशन ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट विल हैव डायरेक्ट एंट्री टू परफेक्ट वर्किंग कंडीशंस एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. दे विल नेवर फील शॉर्ट दैट वी लर्न एंड वी कुड नॉट प्रैक्टिस. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर महिपाल. डॉक्टर महिपाल, लास्ट क्वेश्चन एक है. इंटरनेशनली जिस तरह रिसर्च हो रहा है, क्या सेंटर फॉर साइट इस रिसर्च को आगे बढ़ाए? देखिए, आज की तारीख में देर आर सेवरल रिसर्चेज, एटलीस्ट 3 रिसर्चेज वेयर वी आर द सोल पार्टिसिपेटिंग साइट इन द वर्ल्ड. सो वी आर एट कटिंग एज ऑफ रिसर्च. हमारी जो नई फैसिलिटी है द्वारका में, वहाँ पे मतलब रिसर्च का स्पेशल विंग है, और जितना क्लिनिकल डेटा इंडिया में मिल सकता है वो कहीं और नहीं. एक चीज़ में जो इंडिया पिछड़ता है वो है फंडामेंटल रिसर्च. जैसे हाइपोथेसिस हो ना किसी चीज़ का, मॉलिकुलर बायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह, उसमें अभी इतना नहीं है. बट क्लिनिकल एप्लीकेशंस के अंदर इंडिया कैन प्रोवाइड द मैक्सिमम आउटपुट इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. सो वी आर, हम अग्रसर हैं इस चीज़ में, एंड सेंटर फॉर साइट एज ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च.